दोस्तों, आपको पता है कि संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय आंदोलन पर, चाहे बिपिन चंद्रा हो, चाहे स्पेक्ट्रम गाइड हो, या और कोई इस तरह एनसीईआरटी की पुस्तक हो, या कोई भी हो, आप जब तैयार कर रहे हैं नोट्स, कैसे तैयार करें, तो आप अपने नोट्स इस तरीके से तैयार करें कि बाद में दोबारा उन पुस्तकों की शरण में जाना ही नहीं पड़े। और जो इधर उधर से बिखरा हुआ ज्ञान है उसको एक जगह लिख लो और टॉपिक ऐसे तैयार करो जैसे 1857 की क्रांति कर रहे हो। तो 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां हुई, तो तिथिवार बता दो कि साहब ये केंद्र थे, ऐसे हुई। फिर नेतृत्व किसने किया कि साहब इसने नेतृत्व किया, अंग्रेज अफसर कौन था कि साहब अंग्रेज अफसर, और कोई महत्वपूर्ण घटना, ठीक है। इसी तरीके से कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती संस्थाएं हैं किसने स्थापित की, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किसने स्थापित की, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन किसने की, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी किसने स्थापित की, तो किस वर्ष स्थापित हुई और किसने की और क्या प्रयोजन था, और कोई विशेष संस्था जिसका दायरा कहाँ पर है, कोई लोकल दायरा तो लोकल बता दो, बड़े लेवल पे है तो बड़े लेवल पे बता दूँ। इसी तरीके से भारत में प्रमुख जो गवर्नर जनरल है उनकी महत्वपूर्ण कार्यकाल, उनके जो बड़े महत्वपूर्ण है, जैसे मान लो करजन है तो करजन के बारे में पता होना चाहिए, प्रेस पर नियंत्रण किसने लगाया ये पता होना चाहिए, प्रेस को छूट किसने दे दी ये पता होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन पर सबसे ज़्यादा काम किस गवर्नर जनरल ने किया, कैसा उसने किया। तो गवर्नर जनरल लिखो और उनके सामने लिखो, और जब गवर्नर जनरल का कार्यकाल आपको याद रह जाएगा और घटना याद रह जाएगी तो बहुत से सवाल अपने आप स्वतः सही हो जाएंगे। क्योंकि जब आपको पता है कि मेयो ने जनगणना प्रारंभ करवाई और रिपन ने उसको व्यवस्थित 10 वर्ष से हिसाब से किया, अब ये तथ्य आपके दिमाग में है, अब सवाल कैसे ही पूछो, है ना। स्थानीय स्वशासन नहीं पूछ करके कोई घटना पूछेगी तो आपको पता हो जाएगा कि ये गवर्नर जनरल था, उस समय इन संस्थाओं की स्थापना हुई। तो गवर्नर जो जनरल है उनका कार्यकाल आप जरूर अच्छे तरीके से तैयार करो, लिखो गवर्नर जनरल किस समय क्या किया, तो उससे और बहुत सारे जो इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रमुख घटनाएं हैं ना आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसके साथ ही विभिन्न जो पत्र पत्रिकाएं, विशेष रूप से अरविंद घोष, तिलक, जवाहरलाल जी नेहरू, महात्मा गांधी जी, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो विभिन्न समाचार पत्र निकलते थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो बिखरा हुआ ज्ञान एक जगह कर लो, जैसे आप राजाराम मोहन राय चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ आप पढ़ते हो मिरातुल कौमुदी, है ना, संवाद मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, इस तरीके का पढ़ते हो कि साहब वहाँ पे है। अब वो बिखरा पड़ा तो आप एक जगह लिस्ट बना लोगे, उस लिस्ट के अंदर आप लिख दो राजा राम मोहन राय ने क्या योगदान था साहित्यिक दृष्टि से, और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, सब जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनका जो साहित्यिक योगदान है, उन्होंने कोई पत्र पत्रिका शुरू की, तो एक ही पेज के अंदर एक ही जगह पर लिख लो। इसके अलावा जो प्रमुख जन जागरण आंदोलन चले, है ना, जैसे ब्रह्म समाज, और नोट्स बहुत संक्षेप के अंदर तैयार करो, जैसे ब्रह्म समाज तो 1888 में 1828 के अंदर स्थापित, कहाँ पे स्थापना हुई और किस तरीके की विचारधारा है, उन्होंने किस समाज सुधार में किस तरीके के समाज सुधार किए, जैसे राजा राम मोहन राय है तो उनका विशेष जो योगदान है सती प्रथा है, और इसी ईश्वरचंद विद्यासागर है तो विधवा और पुनर्विवाह की दिशा में उन्होंने बढ़िया काम किया था, विवियन डेरेजियो है तो आधुनिक भारत के वो निर्माता, उन्होंने अलग तरीके से काम किया, युवा आंदोलन की दिशा में उन्होंने काम किया। तो प्रमुख जो समाज सुधारक है वो लिखो, उनके सामने लिखो उन्होंने संस्था की स्थापना की तो किस साल के अंदर की, और उनकी प्रमुख जो समाज सुधार किस दिशा के अंदर, क्या वो मूर्ति पूजा के समर्थक थे, क्या वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्या वो एकेश्वरवादी थे, क्या वो बहु देववाद में मानते थे, किस तरीके की उनकी विचारधारा थी, उनकी विचारधारा पे हिंदुत्व का प्रभाव है या उनकी विचारधारा समन्वयवादी है, समग्रतावादी है, क्या उन्होंने महिलाओं के काम क्या किया, क्या दलितों की तरफ किया, क्या उन्होंने वेदों की ओर लौटने की बात की, तो जो भी योगदान है उसको अति संक्षेप के अंदर आप लिख लीजिए। इसके बाद में भारत में जो संवैधानिक जो विकास हुआ उसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। संवैधानिक विकास के अंदर दो दो पॉइंट महत्वपूर्ण, जैसे कि रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट आया, कि साहब लिखा बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1784, साहब दोहरा शासन लागू हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया, ठीक है। उसके बाद में साहब क्या हुआ, 1813 का एक्ट आया, 1833 का एक्ट आया, क्या किया, कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया, 1858 के अंदर क्या कर दिया, कंपनी का राज्य खत्म कर दिया गया, उत्तरदायी शासन की शुरुआत हो गई, 61 के अंदर क्या किया गया था, पोर्टफोलियो जो व्यवस्था उसकी शुरुआत की गई, 92 के अंदर क्या किया, 1892 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुभारंभ किया, 9 से 9 के अंदर मार्लियामेंटो सुधार एक्ट आया, मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सुधार किया गया, 1917 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई, धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की, और 1919 का एक्ट आया, प्रांतों के अंदर द्वैत शासन लागू किया गया, इस तरह की व्यवस्था की गई। बाद के अंदर 1927 के अंदर साइमन कमीशन आया,
और लाला लाजपत राय से संबंधित घटना बता दो। फिर बाद में 1935 का एक्ट आया, प्रांतों को तो स्वायत्ता दे दी गई और केंद्र के अंदर द्वैत शासन लागू कर दिया। उस बाद में 1937 के अंदर चुनाव हुए, 1940 में के अंदर अगस्त प्रस्ताव और 1942 के अंदर क्रिप्स विस्तार, 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन। तो इस तरीके से इतने संक्षेप के अंदर नोट बनाओ कि जो भी उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य चाहे विपिन चंद्र सर से लगे चाहे स्पेक्ट्रम से लगे एक जगह नोट कर लो, उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है, विपिन चंद्रा में जब आप मान लो पढ़ोगे किसान आंदोलन है तो उसमें शुरुआत में बहुत एक दो पेज में परिचय होगा कि किसान आंदोलन उस समय पृष्ठभूमि क्या थी, किसानों की स्थिति क्या थी। तो उसमें फैक्चुअल कुछ आपको ऐसा नहीं मिलता, ना कोई एनालिटिकल हिसाब से कोई आपको तथ्य मिलेगा, वो एक परिचयात्मक होता है विषय की समझ बनाने के लिए। तो आपके लिए संभव नहीं है कि वो दो पेज पढ़ करके फिर अपना समय खराब करें। आप तो जो सार तत्व है आधुनिक भारत का जो विपिन चंद्रा में दे रखा है, जो स्पेक्ट्रम में दे रखा है, वो लिख लीजिए और फिर बाद में किताबों के शरण में नहीं जाते हुए उन्हीं नोट्स का बार बार रिवीजन करते रहिए। इसी तरीके से जो प्रमुख नेता है उनका योगदान लिखो, है ना, एक एक जो व्यक्तित्व। तिलक संक्षेप के अंदर कैसा, तिलक ने स्वराज विधेयक की बात की थी, भारत के संविधान की बात की थी उन्होंने, उन्होंने केसरी मराठा का संचालन किया था, केसरी इस भाषा में था, मराठा इस भाषा के अंदर था। बाद में उन्होंने एनी बेसेंट साथ के साथ में होम रूल आंदोलन, एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र यहाँ था और तिलक महोदय का यहाँ था। असहयोग आंदोलन है तब उन्होंने गांधी जी के लिए वो फंड बनाया था, असहयोग आंदोलन के लिए फंड बनाया था। तो उनके योगदान से संबंधित एक एक जो चीज़ है ना, महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो आप एक जगह लिख लीजिए। भारत में स्पेक्ट्रम में जैसे 100-150 व्यक्तित्व दे रखे हैं, जैसे मौलाना आजाद, बहुत शॉर्ट के अंदर इंडिया विंस फ्रीडम किताब लिखी, प्रथम शिक्षा मंत्री, या है ना, जो जो अति महत्वपूर्ण जो भारत के विभाजन पे उनका कोटेशन, तो महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है उनके बारे में लिख लीजिए, चाहे नरम दल के हो चाहे गरम दल के हो, किसी तरीके से एक जगह लिस्ट बना लीजिए। इसके अलावा गांधी युग बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, गांधी जी कब आए, चंपारण आंदोलन में क्या हुआ, गुजरात में खेड़ा आंदोलन के अंदर गांधी जी का क्या हुआ था, अहमदाबाद मील के अंदर क्या था, असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, फिर गांधी जी राजनीति के अंदर हादसे पे कब चले गए, कांग्रेस के अंदर अधिवेशन में कब में भाग लिया था, कांग्रेस पर गांधी जी के क्या विचार है, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या है, और लास्ट में भारत विभाजन के समय क्या स्थिति हो गई, गांधी जी ने कौन सी पत्र पत्रिकाएं लिखी। तो गांधी युग को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और अति संक्षेप के अंदर तैयार कीजिए। इसके साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन है उसको तैयार कीजिए कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ हुआ, बंगाल में कैसे हुआ, इसके अलावा विदेश में कहाँ हुआ, अमेरिका के अंदर कैसे हुआ, है ना, लाला हरदयाल जी ने क्या किया, सोन सिंह भाकना ने क्या किया, अजीत सिंह ने क्या किया, और क्रांतिकारी आंदोलन में गुप्त जो संस्थाएं बनी थी वो कौन कौन सी संस्थाएं बनी थी, इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदय के जो कारण थे वो प्रमुख कारण क्या थे, उनमें कोई फैक्चुअल चीज़ है तो फैक्चुअल लिखो, और नहीं तो राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य परीक्षा के हिसाब से तो 50 शब्द में आना चाहिए कि मुख्य क्या कारण थे राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना के, तो कारण भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। किसान आंदोलन को अच्छे तरीके से तैयार करो, जनजाति जो आंदोलन है वो अच्छे तरीके से करो। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी जैसे जो व्यक्तित्व, उन पर शॉर्ट नोट्स अच्छे तरीके से तैयार करो। और इसके अलावा प्रमुख जो केस हुए काकोरी कांड से लेकर के अलीपुर कांड से लेकर के, उन पर किन किन पे ये केस चलाया गया है और किस साल के अंदर ये केस चलाया गया, ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। भारत विभाजन को अच्छे तरीके से तैयार करो, किन परिस्थितियों के अंदर हुआ, क्या टाला जा सकता था, राष्ट्र भारत में जो सांप्रदायिकता का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या कारण उसके लिए थे, आर्थिक जो दुष्चक्र थे भारत के अंदर, है ना, वो उसके अलावा अंग्रेजों ने विभिन्न जो संवैधानिक जो सुधार किए या विभिन्न जो संस्थाएं की, सिंचाई के लिए क्या किया, पेयजल के लिए क्या किया, एजुकेशन के लिए किया, हायर एजुकेशन के लिए क्या किया, कौन कौन से आयोग बने, शिक्षा के लिए कौन कौन से आयोग बने, तो विभिन्न तरीके से उस समय की ब्रिटिश राज के द्वारा जो संवैधानिक सुधार किए गए, संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना की। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो ज्ञान यत्र तत्र पुस्तकों में पढ़ा है, जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं तो उसमें आप विपिन चंद्रा जी के चैप्टर में अलग पढ़ रहे हो, अरविंद घोष में अलग पढ़ रहे हो, है ना, दयानंद सरस्वती के बारे में कहीं और मिल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है जब नोट्स बनाओ उसमें एक ही जगह, आप जब जहाँ पत्र पत्रिकाएं हैं वहाँ पूरी की पूरी पत्र पत्रिकाएं एक ही जगह कर लो, संवैधानिक सुधार एक ही जगह कर लो, आप प्रमुख समाज सुधारक एक ही जगह कर लो, 1857 की क्रांति एक ही जगह कर लो, तो जो चीज़ आपको है ना मिले बिखरे हुए ज्ञान को एक जगह कर लो। कांग्रेस की स्थापना तो कांग्रेस के बारे में पूरा का पूरा लिस्ट बना लो कि कांग्रेस स्थापना, प्रथम अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, जो जो महत्वपूर्ण अधिवेशन सामने लिख लीजिए, क्या इसका बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान था इस अधिवेशन का, बेलगांव अधिवेशन में साहब गांधी जी थे, इस अधिवेशन में अल्पसंख्यकों की बात की गई, इस अधिवेशन के अंदर बाप अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के अंदर बेटा अध्यक्ष बन गए थे, इस अधिवेशन के अंदर पहली महिला अध्यक्ष बनी, इस अधिवेशन के अंदर प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी, आजादी के समय में ये थे। तो इस तरीके से फैक्चुअल अच्छी अच्छी चीजें जो है नोट कर लीजिए और
प्रारंभिक परीक्षा में ये चीजें काम आएगी, मुख्य परीक्षा में भी काम आएगी, समय की आपकी बचत होगी, बार बार आपको किताबें नहीं पढ़नी पड़ेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।